हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर भीनमाल बंद रहा अगली कड़ी में मटका फोड़ कार्यक्रम। भीनमाल नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित बेमियादे धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान व क्रमिक अनशन के 44वें दिन भीनमाल बंद व चक्का जाम रहा। इस दौरान पुलिस व लोगों के बीच मामूली नोक झोंक को छोड़कर शांति पूर्वक रहा। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने धरना देकर व रैली निकालकर प्रदर्शन व आक्रोश प्रकट किया। चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन खासा मुस्तैद नजर आया। मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर के समस्त व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने अपने कारोबार बंद रखकर धरना स्थल पहुँचे। करीब 10 बजे बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर जमा हो गए थे। इस दौरान समिति के सदस्य शेखर व्यास, दिनेश दवे नवीन, कपूर चंद गहलोत, मोहन सिंह सिसोदिया, नरेश अग्रवाल व अशोक सिंह उपावत सहित दर्जन भर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए भीमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट व नर्मदा परियोजना के कार्य में देरी के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सरकार व प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए पानी उपलब्ध नहीं होने तक आंदोलन को अनवरत जारी रखने की चेतावनी दी। वक्ताओं ने राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन द्वारा आंदोलन को हल्के में आंकने व नजरअंदाज करने को लेकर भी आक्रोश प्रकट करते हुए समय आने पर करारा जवाब देने की आवश्यकता जताई। दोपहर करीब 12 बजे धरना स्थल से रैली का आयोजन किया, जो मुख्य मार्ग होते हुए अम्बेडकर तिराहे पहुँचे। यहाँ मुख्य सर्कल पर टेंट लगाकर दोपहर 2:30 बजे तक धरना जारी रखा। इसके बाद पुनः रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुँचे। यहाँ पीएम व सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर नर्मदा का नीर उपलब्ध करवाने के लिए कार्य में तेजी लाने की मांग की। इस दौरान समिति के सदस्य श्रवण सिंह राव, श्याम खेतवार, शैतान सिंह भाटी, दिनेश भट्ट, जबराराम भाटी, जगदीश प्रसाद शर्मा व दिनेश नवीन सहित करीब दर्जन भर वक्ताओं ने संबोधित कर पेयजल संकट के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब देने और उनकी हठ धर्मता व घमंड को लोकतंत्र के लिए घातक बताया। व्यापारियों द्वारा दिन भर स्वेच्छा से कारोबार बंद रखने की वजह से बाजार सुनसान नजर आए। यहां तक कि चाय व पान की थड़ी, रेस्टोरेंट व भोजनालय भी बंद होने की वजह से बाहर से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नगर के समस्त गरीब 10 प्रवेश मार्ग जालौर, रानीबाड़ा, करड़ा, जसवंतपुरा, दासपा, निम्बोड़ा, भागल भीम, भादरड़ा, एमपी व जुजाणी मार्ग पर समिति के सदस्यों के नेतृत्व में अलग अलग टोलियां द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने की वजह से सुबह सुबह वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन की सक्रियता व वाहनों की निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की वजह से बाहर से आने जाने वाले वाहनों को बाईपास से निकाला गया। भीनमाल के इतिहास में पहली बार पेयजल संकट पर नर्मदा परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग को लेकर संचालित आंदोलन को मंगलवार को करीब 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व सरकार पर अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। उक्त जिम्मेदारों की हठ धर्मता की वजह से आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरत तो ये है कि सत्ताधारी व मुख्य विपक्षी दल भी आंदोलन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि 2013 में स्वीकृत परियोजना का कार्य 2016 में पूर्ण करने का लक्ष्य था। 5 वर्ष देरी के बावजूद वर्तमान में उक्त कार्य 65 से 70% ही पूर्ण हुआ है और राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन में कंजूसी व वर्तमान कार्य की गति के अनुसार आगामी 2025 तक कार्य पूर्ण होना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी कारण सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन व नर्मदा विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं और आंदोलन से दूरी रखने में स्वयं की भलाई समझ रहे हैं। आंदोलन की अगली कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के ऑफिस व आवास के समक्ष मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके बाद विरोध प्रदर्शन व नेताओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार को लेकर भी मंथन चल रहा है। यदि यही हालात रहे तो आगामी नगर पालिका, विधानसभा व लोकसभा चुनावों में दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बंद व चक्का जाम के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी व पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल के नेतृत्व में तहसीलदार राम सिंह राव, भीनमाल थाना अधिकारी दूली चंद गुजर, रामसीन थाना अधिकारी अरविंद सिंह पुरोहित, बागोड़ा थाना अधिकारी छत्तर सिंह देवड़ा, एसआई भैरू सिंह सोलंकी, किरण कुमार, ए
एएसआई प्रेम सिंह, मोहनलाल बिशोई, चौकी प्रभारी भरत सिंह और यातायात प्रभारी दलपत सिंह रावता व वागाराम के नेतृत्व में करीब 150 से अधिक पुलिस के जवान विभिन्न स्थानों व प्रवेश मार्गों पर तैनात थे। जागरूक टीवी की भीनमाल से खास रिपोर्ट।